मुरादाबाद से सपा सांसद ने आज नागरिक संशोधन बिल के विरोध में भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने देश में NRC लागू करने की जरूरत की तो हम ऐलान कर देंगी, देश का मुसलमान कोई भी कानून नहीं मानेगा। सपा सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही खड़े होकर CAB बिल की प्रति जलाना शुरू कर दिया। दरअसल आज उनकी अगुवाई में नागरिक संशोधन बिल के विरोध में एक प्रोटेस्ट होना था, जिसकी सूचना पर मुरादाबाद प्रशासन ने उन्हें घर से ही नहीं निकलने दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय पर ही मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए बिल की कॉपी जलाते हुए अपनी भड़ास निकाली। उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको या तो शरणार्थी होगा या घुसपैठिया होगा। बदनसीबी यह है कि ये कानून सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया साबित करेगा, बाकी सब लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। क्या इस मुल्क के अंदर कभी ऐसा हुआ है? क्या इस मुल्क के अंदर धर्म के नाम पे बड़ी दीदा दिलेरी से ये बात कह दी गई कि मुसलमान इसमें नहीं है? ऐसा लगता है कि लोगों की आंखों की शर्म भी खत्म हो गई। और जब ये बनेगा, मैंने पार्लियामेंट के अंदर सवाल किया अपने गृह मंत्री जी से कि मुझे ये बताइए आपका टारगेट क्या है, कितने करोड़ मुसलमानों का आप इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, और अगर आपने 2-4-5 करोड़ मुसलमानों को इसके अंदर परेशान कर दिया, उनकी नागरिकता नहीं दी, घुसपैठिया बना दिया, तो कहाँ जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे या समंदर में धकेलेंगे? उसके बाद देश के अंदर क्या हशर होगा? मैं और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जल उठेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है, बल्कि मामूली फायदे के लिए ये लोग हमारे समाज को बांट रहे हैं, हमारी परंपराओं को बांट रहे हैं, हमारी तहजीबों को बर्बाद कर रहे हैं। ये देश के खातिर, देश के लिए इतना बड़ा घातक है और अपनी खातिर ये सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अजीमशान एक एहतियाती जलसा रखा है। उस जलसे के अंदर सबको हमने बुलाया, हमारे पंडित जी बैठे हैं, सरदार लोग भी आएंगे, हमारे क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई और ये कह दिया गया है रात 9 बजे DM SSP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके गृह सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश दिए कि आपके शहर के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई जलसा जुलूस और कोई भी मार्च नहीं निकाला जाएगा। साथियों, हमारा जमहूरी हक भी खत्म हो गया। क्या आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं कि हमें लोग मारे और हमें रोने भी ना दें? शेम, शेम। हम इस बात की मजम्मत करते हैं सरकार की और हम ये जमहूरी हक लेके रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम डरने वाले नहीं है, हमें ना कोई डरा सकता। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, उसके अलावा किसी से नहीं डरता। वो वक्त जरूर आएगा कि हम फिर एक एजिटेशन करेंगे और इस एजिटेशन में तमाम आवाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे साथ होंगे और सरकार को बता देंगे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को नफरतें देके नहीं जाएंगे, हम प्यार मोहब्बत देके जाएंगे, हम सांप्रदायिक सौहार्द देके जाएंगे, इस देश को एक रखेंगे। जैसे कि अभी रशीदी साहब ने फरमाया, इन लोगों को अपनी सत्ता की खातिर ही अगर देश भी बांट दें तो कोई इनको परेशानी नहीं है, इस देश को बांटने की साजिश है। और मैं तो ये कहते हुए भी कोई गुरेज नहीं करूंगा कि ये लोग CIA और KGB के हाथों में खेल रहे हैं, जो हमारे देश को सुप्रीम पावर नहीं बनना देखना चाहते। और आप लोगों के सामने ये ऐलान भी करना चाहूंगा, अगर NRC लागू किया, ये जरूरत करी NRC लागू करने की, तो मैं आपसे साफ साफ इस बात को कह रहा हूँ कि हमने देखा कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो हम सिविल डिसओबीडियंस का ऐलान कर देंगे, हम कानूनों को ना मानने का ऐलान कर देंगे। कोई भी मुसलमान अपना रजिस्ट्रेशन उसके अंदर नहीं कराएगा, निकालना है तो सबको निकाल दो, हम ये लेके चलेंगे। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाए कि 25-30 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे। ये खेल बंद होना चाहिए, ये आग का खेल जो खेल रहे हैं ये बंद होना चाहिए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, मीडिया के लोग हैं आप जमहूरियत का चौथा स्तंभ हैं,
आप लोगों को भी निष्पक्ष और देश की खातिर, देश की एकता की खातिर, देश की सांप्रदायिक सौहार्द की खातिर, आप लोगों को भी अपने कलम के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से देश को संदेश देना चाहिए कि हम उस सिंध में इस देश को नहीं जाने देंगे, अपने मुल्क को नहीं जाने देंगे जहाँ सिर्फ बर्बादियाँ होंगी, जहाँ सिर्फ आग होगी। हम ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये अगर आप चाहते हैं, नहीं मैं एक बात ये कहता हूँ, हमने अपने शहर के अंदर बड़े बड़े बुरे हालात, आप भी उस बात के गवाह हैं। और सुनिए, हम एजिटेशन नहीं करेंगे। पहला हमारा, हम ये नहीं कि हम दो महीनों के लिए टालेंगे, थोड़े दिन के लिए टालेगा, हफ्ता दो हफ्ते के लिए टालेगा, लेकिन फिर होगा। लेकिन ऐसा हम हरगिज़ नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी आवाम के ऊपर खराज भी आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए, तो हम अपने अल्लाह को जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों?